गवर्नर के पास जाएंगे कि हम सरकार बनाना चाहते हैं, हम बोलते हैं कि गोवा के लोगों के लिए सरकार बनना चाहिए, और वो 2-3 दिन में बनना चाहिए था, आज 7 दिन कंप्लीट हो गए हैं। और अभी भी ऐसा सुनने को आया कि 23rd, 24th, 22, 23, 24 ऐसे को सरकार बनाएंगे, काफ़ी दिन लगा रहे हैं, सब काम पेंडिंग है। अभी बारिश का सीज़न आने वाला है, तो सब फ्लड कंट्रोल मेजर्स, गटर्स, नल्ला, ये सब डिसिल्टिंग करना है, ये सब करने के लिए सरकार होना चाहिए, और गवर्नर ने इमीडिएटली डायरेक्शन देना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को या केयर टेकर चीफ मिनिस्टर जो डॉक्टर प्रमोद सावंत है, कि आप आपका नंबर लेके आओ और शपथ ले लो, अगर आपके पास नंबर है तो शपथ ले लो, ये होना चाहिए। ऐसे नहीं कि जब इनको चाहिए वो सरकार बनाएंगे, जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, जो 10 तारीख को रिजल्ट आए उसके बाद तो इमीडिएटली सरकार बनना चाहिए, यह हमारा कहना है। 2017 में माइकल का लोगों का एक नाम बहुत था गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए, ये बार भी ऐसा 2022 में कांग्रेस का लेके करने के लिए सोच रहे हैं? नहीं, हमारा अभी तो 11 नंबर ही आए हैं, हमारे जो नंबर्स हम लोग सोच रहे थे कि हमारे 20-22 नंबर आएंगे, अराउंड 22 नंबर्स हम बोल रहे थे, लेकिन हमको 20 नंबर बहुत ही नज़दीक से हम लोग हार गए हैं, 13 वोट से लेके 500 वोट, 600 वोट तक हम लोग 6-7 सीट हारे हैं। सो लोगों को अभी हम लोग ऐसा नहीं बोल सकते कि आज ही हम लोग सरकार बनाएंगे, जिस दिन हमको मौका मिलेगा, जिस दिन हमको एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी दूसरे एमएलए से, इंडिपेंडेंट एमएलए से, एमजीपी के एमएलए से, तो हम लोग भी आगे सरकार बना सकते हैं। ऐसे कि नहीं, ऐसा है ये भी नहीं है कि हम लोग नहीं बना सकते, हम बना भी सकते हैं। इंडिपेंडेंस और एमजीपी आपका साथ है सर? नहीं, ऐसा अभी तो वो लोगों ने डायरेक्ट लेटर उनको दिया है, लेटर ऑफ सपोर्ट बीजेपी पार्टी को दिया है, और हम चाहते हैं कि वो सरकार इमीडिएटली बनाए। हमने जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया है कि 7 दिन हो गए अभी तक सरकार नहीं बन रहा है, क्यों नहीं बन रहा है? लीडरशिप में कुछ प्रॉब्लम है क्या? चीफ मिनिस्टर जो बनने वाला है वहाँ झगड़ा हो रहा है क्या? 3 लोग, हम लोग ऐसा सुनने को आया कि 3 लोग दावेदार है चीफ मिनिस्टर बनने के लिए, 3 लोग चीफ मिनिस्टर बनना चाहते हैं, और वो लोगों में झगड़ा है, इसलिए सरकार को डिले किया जा रहा है, ऐसा कुछ है। क्या ये सर आप एक बीजेपी का ही था, क्या बीजेपी में कुछ ऐसा ये हो रहा है सर, कुछ कैंडिडेट सिलेक्शन करने से चीफ मिनिस्टर सेलेक्ट नहीं, करने के हमको लिए? वो अभी मालूम नहीं है कि फाइनली कौन है, हमको ऐसा लग रहा है जो न्यूज़पेपर से या जो हम लोग देख रहे हैं सोशल मीडिया से, कि डॉक्टर प्रमोद सावंत ही बन रहे, लेकिन अंदर से दूसरे जो एमएलएज है वो थोड़े नाराज़ है,